हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के पीआरटी के पेपर में हिंदी एंड रीजनिंग सेक्शन को एनालिसिस करेंगे, जो 2017, 18 और 19 में कहां कहां से किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और बुक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम हिंदी के टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है आपका हिंदी भाषा का विकास, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में विकास, स्वतंत्रता के बाद हिंदी भाषा का विकास, हिंदी की उपभाषा एवं बोलियां, देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा का मानकीकरण और विश्व हिंदी सम्मेलन। तो देखिए 2017, 18 और 2019। तो 2017 में आपका देवनागरी लिपि से क्वेश्चन आया है, हिंदी भाषा के मानकीकरण से आया है और विश्व हिंदी सम्मेलन से आया है। एक यहाँ से क्वेश्चन आए, एक यहाँ से और एक यहाँ से, एक क्वेश्चन आपका इसकी बोलियों से भी आया है। तो टोटल यहाँ से आपके चार क्वेश्चन पूछे गए। 2018 और 19 में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्ण विचार। इसमें वर्णमाला, वर्तनी और संधि, इन तीनों से आपका 2017 में एक एक क्वेश्चन आया है। अब 2018 में आपका बीन से एक एक क्वेश्चन आया है और 2019 में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया। अब चलते हैं शब्द विचार पर। इसमें आएगा आपका उपसर्ग, प्रत्यय, समास, शब्द भेद, तत्सम, तद्भव, संज्ञा से अव्यय तक और पर्यायवाची शब्द। उपसर्ग प्रत्यय से आपका एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया। समास से आपका तीनों बार क्वेश्चन आया है। तत्सम और तद्भव का सिर्फ आपसे 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, 2017 और 18 में कोई क्वेश्चन नहीं आया। संज्ञा से अव्यय तक इसका तीनों बार एक एक क्वेश्चन आया। पर्यायवाची शब्द आपके 2017 में तीन पूछे गए और ये 2018 में यहाँ से एक और 2019 में तीन। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका शब्द भेद, तत्सम और तद्भव, यहाँ से सिर्फ 2019 में क्वेश्चन आया है। आगे है हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द का आपका तीनों बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक एक क्वेश्चन आया है इसमें। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 2017 में यहाँ से दो क्वेश्चन आए हैं, 18 में आपका तीन क्वेश्चन आए हैं और 19 में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया। रिक्त स्थानों की पूर्ति, यहाँ से आपके 2017 में दो क्वेश्चन, 18 में यहाँ से एक और 19 में कोई क्वेश्चन नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वाक्य विचार, वाक्य भेद और विराम चिन्ह, यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, इससे भी नहीं है। मुहावरे का आपका 2018 में पूछा गया, दो क्वेश्चन, 17 में और 19 में कोई क्वेश्चन नहीं है। लोकोक्तियों से भी कोई क्वेश्चन नहीं है, क्रमबद्धता से भी कोई क्वेश्चन नहीं है। अब चलते छंद विस्तार पे। इसमें आता है आपका शब्द, रक्ति और रस। रस से आपका एक बार क्वेश्चन पूछा गया 2017 में, 18 और 19 में कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर बात करते हैं छंद की। छंद से हमारा 2019 में क्वेश्चन आया है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं, और अलंकार से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अब आगे चलते हैं। आगे आपका हिंदी साहित्य। साहित्य में आपसे पत्रिकाएं पूछी गई हैं और लेखक पूछे गए, सिर्फ ये दो ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो आप इसको एक बार देख लेना। तो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं। देखिए हिंदी में ना आपको सारे ही टॉपिक करने पड़ेंगे अच्छे से, क्योंकि ये आपकी 2017 में तो आई है 30 मार्क्स की। और ये 2018 में 20 मार्क्स की, और 2019 में भी 20 मार्क्स की आई है। तो आप हिंदी के सारे ही टॉपिक कवर करना, जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो तो आप करना ही करना, लेकिन हो सके तो आप दूसरे भी टॉपिक को कवर करने की कोशिश करना, क्योंकि
इसके बिना आपकी तैयारी अधूरी रहेगी, तो इसको आप अच्छे से करना। तो चलिए अब हम रीजनिंग की बात करेंगे। रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग। तो देखिए इसमें भी हम 2017, 18 और 19 का करेंगे एनालिसिस। तो कोडिंग डिकोडिंग से आपका दो हजार सत्रह में दो क्वेश्चन आए, 18 में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं है और 2019 में यहाँ से तीन क्वेश्चन हैं। ओड वन आउट से आपका दो क्वेश्चन है 2017 में, 18 में कोई क्वेश्चन नहीं है और 19 में एक क्वेश्चन है। 2018 में तो रीजनिंग का किसी भी चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सिर्फ 2017 में और 19 में आई है रीजनिंग। 2017 में तो आई है ये 15 मार्क्स की और 2019 में आई है 8 मार्क्स की। एनालॉगी से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें 2017 में आई हैं तीन और 2019 में कोई क्वेश्चन नहीं है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट इससे भी आपका क्वेश्चन नहीं है। डायरेक्शन से क्वेश्चन है आपका एक। ब्लड रिलेशन से भी आपका एक क्वेश्चन है। सिटिंग अरेंजमेंट से आपका 2019 में एक क्वेश्चन है। रैंकिंग से भी आपका एक क्वेश्चन है 2017 में और इनसे आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। अब नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपका डायग्राम रीजनिंग, इससे भी क्वेश्चन नहीं है। डाइस से भी नहीं है। क्यूब से एक क्वेश्चन है 2017 में। लेटर सीरीज से आपके दो क्वेश्चन हैं। इनपुट आउटपुट से कोई क्वेश्चन नहीं है। डाटा रीजनिंग से, डिसीजन मेकिंग से, इससे भी आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग के तो हमने पहले डिस्कस कर लिए कि दो क्वेश्चन आए हैं। मैट्रिक्स से आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। मिरर इमेज, वाटर इमेज, टेस्ट ऑफ, इनसे आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अब चलते हैं लॉजिकल रीजनिंग, इसमें रूल्स ऑफ सिलोलिज्म, इसका भी क्वेश्चन नहीं है, इससे भी नहीं है और इससे भी कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इससे कोई क्वेश्चन नहीं है, इससे भी नहीं है और इन सभी टॉपिक से आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। अब चलते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग पे, तो यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। एनालॉगी से हैं आपके दो क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन से इससे भी कोई क्वेश्चन नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है वही मिरर वाटर इमेज, इससे कोई क्वेश्चन नहीं है आपका, सिर्फ इससे क्वेश्चन है एक फिगर मैट्रिक्स से, बाकी किसी भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें तो इसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग करना है, क्लासिफिकेशन, एनालॉगी और ये डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, ये तो करने ही आपको। अब आगे चलते हैं, आगे आप लेटर सीरीज कीजिए, ये वाटर इमेज और मिरर इमेज कीजिए, क्योंकि पूछे जाते हैं, क्या पता आपकी बार पूछ ले। और यहाँ से आप कीजिए ये सीरीज वाले कीजिए चैप्टर 32। अब नेक्स्ट में आप ये फिगर काउंटिंग भी करना साथ साथ में और ये फिगर मैट्रिक्स। हिंदी के लिए आप देखिए, आप अगर बुक लेना चाहो तो लुसेंट की ले लेना, अगर आपके पास पहले से कोई बुक है तो मत लेना, अगर नहीं है तो आप लुसेंट की बुक ले लेना, और रीजनिंग के लिए अरिहंत की, और प्रैक्टिस के लिए आप DSSBPRT के प्रीवियस पेपर, KVS के प्रीवियस पेपर और जो ये हमारा AWS है इसके प्रीवियस पेपर, इन्हीं से आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि DSSB के तो बहुत सारे पेपर हैं, वहाँ से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, और फिर KVS के और AWS के, बाकी आप मॉक टेस्ट लगा लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।